नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश खबर टाइम टीवी चैनल। आइए देखते हैं आगरा की खबर। खैरागढ़ क्षेत्र में देर रात पुलिस की गाजा तस्करों से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से दो लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों घायलों सहित छह लोगों को पकड़ा। उनके कब्जे से 2 करोड़ की कीमत का 800 किलोग्राम गाजा बरामद किया। SOG प्रभारी कुलदीप दीक्षित को सूचना मिली थी कि सया थाना क्षेत्र में से होकर गाजे की तस्करी करने वाले वाहन गुजरने वाले हैं। सूचना पर SOG क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग तथा थाना सया प्रभारी ने चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस को दोबारा सूचना मिली कि वीरई के पास कटी पुल के नीचे ग्वालियर रोड पर तस्करी कर लाए गए गाजे को कार में शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि गाजे को कार में शिफ्ट किया जा रहा है। यह देख पुलिस ने तस्करों को से सरेंडर करने को कहा। इस पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें वीरेंद्र और संजय के पैर में गोली लग गई तथा वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके पैर में गोली लगने के बाद अन्य 6 साथियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें बबलू पुत्र मक्खनलाल निवासी उस्मानपुर खंडौली, रविंद्र सिंह पुत्र किशोरी लाल निवासी इटावा, विवेक उर्फ गब्बर पुत्र मुरारी सिंह निवासी वरहन कन्हैया सिकरवार, पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी खंडौली, मोहित पुत्र मुनेश पाल निवासी खंडौली, बीरू पुत्र सुरेश निवासी मथुरा, देशराज पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी जगनेश शिवम, यादव पुत्र रूप किशोर निवासी एपमाछोला शामिल है। इनके कब्जे से 8 क्विंटल 160 ग्राम गांजा 2 ट्रकों व सलेरियो गाड़ी में भरकर बड़ी खेप में लाया जा रहा था गांजा। तस्करों से 2 तमंचे तथा कारतूस बरामद किया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रकों से गांजा तस्करी कर लाए जाने की एक पुष्ट सूचना पर स्वेट टीम, सर्विलांस टीम, CIW और थाना सैया पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाशों के टांग में गोली लगी पुलिस मुठभेड़ में और 8 बदमाश घेराबंदी करके पकड़े गए। इनके पास से गांजा लाने वाले 2 ट्रक, गांजा शिफ्ट जिस कार में कर रहे थे सेलेरो कार, 2 तमंचे, कारतूस और 8 क्विंटल गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। इनके द्वारा कुछ और जानकारी दी गई है जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्दी कुछ और बदमाशों के खिलाफ, गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।